ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल पुख्ता खबर के साथ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग जो 12 मार्च और 21 जून को क्वालिफाई हुए थे वो लोग तो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस बहाली को फंसा कर रखना चाहते हैं और बहाली पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि कोई केस कोई कोर्ट कुछ भी नहीं करने वाला है, एकता में बल है। अगर आप लोग एकता दिखाएंगे, सड़क पर आएंगे तो आप लोगों की बहाली संभव है। आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट था कि अगर मैम दोनों के लिए बोल रही हैं तो मेरिट वालों के आंदोलन में क्यों नहीं आई थी। मैं समझती नहीं हूँ मेरिट और नॉट इन मेरिट क्या है, और ये आप भी समझ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। और जो महान है, जो समझ रहा है कि सरकार ने 21 जून को कौन सा गेम खेला था और तुरंत किस तरह 26 जून को अपने बात को वापिस ले लिया, तो लोग सब जो समझदार है, मैं आपको बता दूं कुछ अभ्यर्थी को जिसके स्कोर कार्ड में दिखा नॉट इन मेरिट लिस्ट, मैं बता दूं वैसे कोई भी अभ्यर्थी जिनको की कभी मेरिट लिस्ट में स्कोर में दिखाया था उसके पक्ष में बोलने जाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको हजारों सबूत दे सकती हूँ जिनका 21 जून को रिजल्ट आया था। वो लोग सारे कह रहे हैं मैम मैं इसको नहीं, मुझे सरकार ने इसको आधारहीन माना है और यही सत्य भी है। और आप लोग भी सुन लीजिए, सरकार अपने बात पर कायम है, 80,000 से 70,000 से 69,000 पे वो ले आए हैं। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि सरकार, कई लोगों का कमेंट्स था कि आज लगभग मैं कमेंट्स को उठाकर आप लोगों को बता रही हूँ, 2025 तक में भी बहाली नहीं हो पाएगा। 26,000 सामाजिक शिक्षकों इतने क्वालिफाई हुए ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं होता है, इस बात को समझिए। सीटेट के एग्जाम में सेम सिलेबस रहने के बावजूद भी परसेंटेज आप देखते हैं 15-16% अभ्यर्थी पास होते हैं, जबकि वो सेंट्रल एग्जाम है और ये स्टेट एग्जाम था। स्टेट एग्जाम में सेंट्रल में जबकि सिलेबस के साथ प्रोवाइड किया जाता है, सेम सिलेबस लगातार कई सालों से चलता आ रहा है, उसमें जो अभ्यर्थी 50% पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बताइए कि एस्टेट जो है ये एक स्पेशल प्रदेश का बिना सिलेबस का एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ये संभव ही नहीं है 50% पास होंगे। सरकार आप लोगों को नचा रही है, आप लोग नाचिए, मेरा ये कहना है। देखिए मैं कई लोग कहते हैं आप इस तरह बोल रही इसीलिए आप मेरिट में नहीं आए, मेरिट छोड़िए, मैं मेरिट क्या, मैं तो क्वालिफाइड नहीं की हूं, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूं कि जिनके भी स्कोर कार्ड में 12 मार्च को क्वालिफाई लिखा है वो सभी नियुक्ति के पात्र हैं और वो सभी मेरिट में, ये मत तर्क वितरण करिए। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं कि लोग सजेशन देते हैं PIL नहीं करना चाहिए था, रीड करना चाहिए था, किस सिचुएशन में PIL किया जाता है, इसीलिए केस डिसमिस हो गया, केस डिस्पोज हो गया, सारी बातों को समझिए। अधिवक्ता ने क्या कहकर इस केस को रोका है इसको समझिए, खत्म करे, खारिज करे, डिस्पोज करे, डिसमिस करे, जो भी करे, केस करने का जो तरीका था, जो मांग थी कि सीटों को बढ़ाना है, वकील का यही कहना है कि चूंकि सरकार ने अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं लिया, ये आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी प्रधान सचिव से मिलने जा रहे हैं जो जिनका भी 29 जून को आंदोलन था, क्योंकि 29 जुलाई को जिनका भी आंदोलन था वो किसी भी अधिकारी से नहीं मिले हैं, मैं आपको 100% पुख्ता सबूत देती हूँ। और याद रखिएगा जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बात किया गया कि किस तरह से आपका मिलेगा कार्ड, जो मिलेगा आपको सर्टिफिकेट उसमें क्या लिखा रहेगा, जो अभ्यर्थी बात कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है सर मैं मेरिट में हूँ, और इस ऑडियो को अगर सुन लीजिएगा 1.5 मिनट का ऑडियो है, तो जो अधिकारी थे वो कितने जोर से झल्लाए हैं इस शब्द पर, आप कुछ भी हैं जो आपका रिजल्ट है वही आपको मिलेगा। कहा उन्होंने कहा सच आप मेरिट में है, नहीं आपके स्कोर कार्ड में तो मुकुट लगा के मिलेगा। मैं इसीलिए इतना गुस्सा होकर बोल रही हूँ कि कुछ लोग वो मेरिट में हैं या नहीं है, मेरिट में तो खैर कोई भी नहीं है, जब सरकार ने ही अपने विचार को और जो आधार तैयार किया था उसको आधारहीन बता दिया, आप और हम क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। और सरकार आप दोनों को दो भागों में बांट दिया है, सरकार अब वही काम करेगी, लेकिन अगर आप दोनों एकजुट हो जाते हैं, कहते हैं जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही, सरकार का सच काम नहीं किया तो उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया, आपको हक नहीं मिल रहा है आप लूट शुरू करिए, सब मिलकर समर्पण करिए, नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको शिवहर नगर निगम का नालंदा का मैं काउंसलिंग दिखाऊंगी, यही स्थिति आप लोगों की होने वाली है, इन सब चीजों से बाहर निकलिए, मेरिट में हूँ, मेरिट धारी, अरे अपने आप को मेरिट धारी आप क्या बोल रहे हैं, कोई ब्राह्मण तिलक लगा के बोल रहा है मैं पंडित हूँ, मैं पंडित हूँ, एक तो लोग आपको मान नहीं रहा आप पंडित हैं, ऊपर से लोग आपसे पूजा भी नहीं करवा, न सरकार मान रही है, न कोई अभ्यर्थी एस्टेट का मान रहा है, यहाँ तक कि जिनको
तीन दिनों के लिए मेरिट में रखा गया था, वैसे भी उसमें से भी 50% अभ्यर्थी के पास, अभ्यर्थी का मेरे पास मैसेज है। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी और मैं आपको एक अभ्यर्थी का, क्योंकि वो काफी बोल्ड है इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ, चांदनी पांडे है, आप देखिएगा, उन्होंने मेरे, मैं स्क्रीनशॉट अभी लगाऊंगी। जबकि मैं उसके लिए बात करती हूँ जो क्वालिफाइड है, वो सबकी नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे वो किसी में जो भी 21 जून और 26 जून को खेला हुआ उसको खत्म करिए। लेकिन एक जो अभी लड़की है, लड़की कहिए महिला कहिए कौन है पता नहीं, भगवान जाने, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे जरिए कोई और नकारात्मक सोच वाला फेमस हो, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वो जो वीडियो बनाती हैं वो तो समझ चुकी हैं होना क्या है, उनको सब कुछ पता है, क्योंकि एकेडमिक किसका अगर नियोजन जाइएगा तो अभी मैं जो लास्ट वीडियो डालूंगी उसको आप देखिएगा। इसीलिए इंसानियत के साथ एकजुट होइए, सामने आइए, कोई पूछे आप क्या है बोलिए स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और स्टेट क्वालिफाइड की नियुक्ति होनी चाहिए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप लोग तर्क निकालते हैं, सरकार के बोले हुए बात को आप लोग तोड़ते हैं, सरकार ने मेरिट की जगह पे उत्तीर्ण बोल दिया, 12 मार्च की बात हो रही है, सरकार ने ये कहा था 24,599 मेरिट में है, ये ना बोल के उन्होंने कह दिया था उत्तीर्ण है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर सरकार ने मेरिट के जगह पर उत्तीर्ण बोला तो फिर आनंद किशोर जी ने भी तो ये कहा था, क्योंकि सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, अब सीट से कम कोई मेरिट में आ नहीं सकता, अगर 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किया है तो कम से कम कट ऑफ भी जाएगा, कहीं से भी कट ऑफ जाएगा तो सीट तो फुल होना ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है, सीट से कम अभ्यर्थी मेरिट में कैसे आएगा जबकि इतने इतने क्वालिफाई हैं, स्पष्ट है कि सीट से कम क्वालिफाई ही किए हैं, यही बात सत्य है, वो लोग खुद फंस गए हैं क्या बोले हैं क्या किए हैं। और कोर्ट की मैं बात कर दूं एक लाइन में, इस पर मैं डिटेल इसीलिए नहीं बताऊंगी, इसमें अभी बहुत कुछ होना है और मैं जब तक किसी पूरे मुद्दे का निचोड़ अपने पास प्रूफ के साथ नहीं लाती हूँ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करती। मैं आपको बता दूं, अधिवक्ता ने ये कहा है कि चूंकि इस पर प्रक्रिया चल रही है, यानी कि सरकार ने अभी आपको नहीं कहा है मैं सीट नहीं बढ़ाऊंगा, ये नहीं कहा है कि इतने की नियुक्ति दूंगा, ये नहीं कहा है कि 21 जून का रिजल्ट सही है, ये नहीं कहा है 12 मार्च का रिजल्ट गलत है, इसका मतलब है कि सरकार इस पर अभी काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी आप इस मुद्दे पर कोई भी PIL दाखिल नहीं कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का कोई भी चीज आप नहीं दाखिल कर सकते हैं। अधिवक्ता का ये कहना है आप ये काम तब कर सकते हैं जब आपका फाइनल सरकार ने कुछ निर्णय दे दिया, सरकार ने तो खुद निर्णय दे दिया है और सरकार क्या निर्णय देगी ये आप लोगों के हाथ में है, अगर आप लोग हिम्मत दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने चांदनी पांडे का भी नाम लिया था, आप स्क्रीनशॉट लगाओगे आप पढ़ लीजिएगा, उन्होंने मेरे चैनल पर भी कमेंट किया है और जो सिर्फ स्पेशली फॉर मेरिट लिस्ट वाले के लिए चैनल खोली है, वही मैं बोल रही थी, लड़की या महिला जो भी है मुझे नहीं पता, वो वीडियो जो शुरू करती है नॉन मेरिट वाले, ये मेरिट वाले की पहचान है, इसका जवाब दीजिए, ये मैं वो समझ चुकी है मेरा क्या होना है। अब आनंद फानंद में उसने एक चैनल क्रिएट किया, मोनेटाइज हो गया, पैसे आ रहे हैं, अरे आप लोग लटकते रहिए, उनको सवासी देते रहिए, उनके चैनल पर भी तो कई, जिसका कि 21 जून को जिसको कि मेरिट में डाले थे सरकार ने, डाला था सरकार ने, वो लोग जाके कमेंट करने का, आप जैसे लोग बहाली को फंसाइएगा, आप जैसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते।